और इसी तरीके से रोशन पाकिस्तान का आगाज होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काजिम। कुछ अरसे पुरानी बात है कि मेरे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम एक फ़ंड बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा किस तरह का फ़ंड? उन्होंने कहा कि हम फंड में क्या करेंगे, महीने के आखिर में हर किसी से कुछ ना कुछ अमाउंट लूँगे। 500 रुपये एक बंदा ही पर मंथ देता है, तो अगर 15 बंदे एक महीने के अंदर 500 रुपये भी दिए तो 15,000 हो जाते। इसी तरीके से 3 महीने तक अगर लगातार दें तो ये होते 45,000 रुपये। मैंने कहा इस 45,000 रुपये के अमाउंट से आप करेंगे क्या? उन्होंने बोला कि हम इस 45,000 के अमाउंट से क्या करेंगे, किसी गरीब का बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे। उसको बोलेंगे कि जब आप स्टेबल हो जाए तो ये पैसे हमें रिटर्न कर दीजिएगा। यही सोच रखने वाले रोशन पाकिस्तान का आगाज करते हैं। इस फंड से अब तक 8 लाख से ज़ायद घरानों को 16 अरब रुपयों के बिलासूद कर्जे दिए गए। ये दुनिया में कर्ज हसन का सबसे बड़ा फंड है, गुर्बत के खात्मा की सबसे बड़ी तहरीक। इस अजीम कावश के नतीजे में कितने घर आबाद हुए, कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितने बच्चे स्कूल गए। ये सफ़र उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वतन अजीज से गुर्बत के साए हमेशा के लिए दूर नहीं हो जाते। सर अमजद साकिब ने एक फाउंडेशन की तामीर दी, वो फाउंडेशन है उकूवत फाउंडेशन। उकूवत फाउंडेशन की खास बात यह है कि वो लोगों को कर्ज हसना देती है बगैर सूद के, और अब तक ये लाखों खानदान को मुस्तफीद हो चुके हैं और अरबों रुपए के ये लोग डोनेशन दे चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिनकी इनकी केस स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है कि ये लोग अरबों रुपए के लोगों को कर्ज हंसना दे चुके हैं और 100% रिटर्न रेट है, यानी कि एक फर्द ने भी इनके पैसे नहीं खाए। आपके आप लोग ने सुना होगा कि बैंक में तो अक्सर बैंक करप्ट ही चल रहे होते हैं, और आपको पता है कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स सदका देगा उसको 10 गुना सवाब मिलेगा और जो शख्स कर्ज देगा उसको 18 गुना सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि सदका तो बेनियाज को भी मिल जाता है, लेकिन कर्ज तो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद ही हासिल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारा चैनल थिंकर्स टॉक के नाम से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।